आते डॉक्टर वसीम को नश्तर अस्पताल इसलिए लगाया कि वो वजीर आला बुज़दार का सिफारशी है। क्या नया पाकिस्तान में यही मेरिट है? आपने ऐसे मुल्क चलाना है। नश्तर अस्पताल मुल्तान तकरीरी केस में चीफ जस्टिस सेक्रेटरी सेहत पर बरस पड़े। हम डॉक्टर वसीम की तकरीरी का नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। सेक्रेटरी सेहत का जवाब, अब आप रहने दें, कल वीसी नश्तर को पेश करें चीफ जस्टिस साकिब ने साथ। किसका किस से क्या ताल्लुक है सब मालूम है, अब सियासी दबाव से निकल आए चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हेलमेट के बगैर कोई नहीं पेट्रोल, अदालत की जानिब से अहम बोल। बगैर हेलमेट वाले को पेट्रोल फराहम करने वाले पंप्स को सील कर दिया जाए, जस्टिस अली अकबर कुरैशी। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप्स पर नोटिसेस लगा दिए। सरगोधा यूनिवर्सिटी के तलबा डिग्रियां ना मिलने पर सरापा एहतजाज। तलबा ने एहतजाजन कैनाल रोड को कैंपस पुल तक ब्लॉक किए रखा। पुलिस के साथ मुजाकरात के बाद तलबा मुंतशिर हो गए, ट्रैफिक बहाल। उम्र भर चिमटा बजाया, नाच गाकर कौम की खिदमत की, सिले में कुछ ना मिला। फनकार बरादरी अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ गई। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, वजीफों की बहाली का मुतालबा। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, खास तौर पर आपके चैनल का, कि वो हमारा दुख जो है समझ कर और यहाँ पर आए। और पिछली हुकूमत ने हमें सिर्फ तमाम फनकारों को 5,000 रुपये की भीख दी थी। चले 5,000 से गरीबों के घरों के चूल्हे जलते थे। इस हुकूमत ने आते ही वज़ीर इत्तला'आत ने ख़ास तौर पर अपनी मेहरबानी फरमाकर वो 5,000 का वजीफा भी, वो भीख भी बंद कर दी है। मैं 43 साल से इस कौम की चिमटा बजा कर नाच कर गा कर मैं खिदमत कर रहा हूँ, और अब सिले में ये मिला है भूख और फाका। हमारी औलादें हमारी इज्जत नहीं कर रही, हमें मर जाने के लिए बद्दुआएं मिल रही हैं। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से कि सिर्फ एक 50,000 रुपया अगर एक मुलाजम आपके मुलाजमों को मिल रहा है, तो हमें जो 5,000 मिलता था उससे भी हमें महरूम कर दिया गया है। नॉन स्टॉप महंगाई, नान रोटी भी महंगी। नए पाकिस्तान में नान रोटी के लाले पड़ गए। कहीं गैस प्रेशर, कहीं LPG और लकड़ी महंगी होने का रोना। तनूर माफिया भी खुदसर हो गए। रोटी 2 रुपए महंगी कर दी, 10 रुपए वाला नान अब 12 रुपए में मिलेगा। घरों से गैस गायब, बाहर से रोटी महंगी, आवाम दोहरी अजियत का शिकार। नान रोटी महंगी होने पर शहरी बिलबिला उठे, महंगाई की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। शहरियों की दुहाई, घरों में गैस नहीं आती, तंदूरों पर जाएं तो नान भाइयों ने नान महंगे कर दिए। कहां से रोटी पकाएं, क्या खाएं, शहरियों के हजार शिकवे। नान इस वक्त 12 रुपए का और रोटी 10 रुपए की हो चुकी है। घरों में गैस नहीं आ रही, बाहर से गैस लेने जाएं तो 180 रुपये 200 रुपये गैस मिल रही है। यहाँ तो हम अपने बच्चे चौकों में ला के उनको भी आग लगा देते हैं, अपने आप को भी आग लगा लेते हैं। इन्होंने बड़े दावे किए थे कि तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ कहाँ पे तब्दीली? ये तब्दीली ये आई है, गैस बिजली और पानी को महंगा कर रहे हैं ये। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से, वजीर आला से, कि इस बात का नोटिस लें। लेन देन के तनाज़े में मुदाखलत, SP मौज सफ़र को महंगी पड़ गई, महकमाना इंक्वायरी शुरू। शालम मार्केट में प्लाजा मालकान से शाहिद बिलाल नामे शख्स के झगड़े में पुलिस अफसर की एंट्री। मौज सफ़र ने पुलिस की भारी नफरी भेजकर दुकानों के ताले तोड़वा दिए। आला हुकूमती शख्सियत के फोन पर इंक्वायरी लग गई। आसिफ जरदारी पहले ही कहते हैं कि जेल उनका ससुराल है। आसिफ जरदारी साहब ने मेहंदी लगा ली, झूमर पहन लिया, जेल जाने को तैयार हैं। चोर इकट्ठे हो रहे हैं, चौकीदार का किरदार अहम है। शेख रशीद अहमद के फिर अपोजिशन पर वार। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की मुखालिफत। शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इन दिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील। रॉयल पाम गोल्फ कंट्री क्लब को अदालती तहवील में ले लिया गया।
लीज होल्डर्स का क्लब में भी दाखला बंद। रेलवे की अराजी 3 साल से जायद लीज पर देने पर पाबंदी आयद। रॉयल पाम क्लब की मैनेजमेंट फर्गोसन कंपनी के सपुर्द। रमजान शेख और मैनेजमेंट को रॉयल पाम क्लब का कब्जा फर्गोसन कंपनी के हवाले करने का हुक्म। रॉयल पाम वाले बासर हैं, आधा मुल्क उनकी बात मानता है। रेलवे की अराजी रेलवे के पास ही रहेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का तीसरा रोज। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए घर वालों और पार्टी रहनुमाओं की जेल आमद। मरियम नवाज, वालिदा शमीम बेगम, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, अयाज सादिक की मुलाकात। राना मोहम्मद इकबाल, जुबैर गुल और राना तनवीर भी पहुंचे। मरियम नवाज घर से वालिद के लिए खाना लेकर आईं। 2 कुर्सियां और प्लास्टिक का मेज भी जेल पहुंचा दिया गया। अहले खाना मुलाकात के बाद जेल से वापस रवाना। मतवालों की जेल के बाहर नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। इमरान खान मस्नूई वजीर आजम है, ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। एहसन इकबाल का जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नून लीग में क्यादत का कोई फुकदान नहीं। सीपैक का बानी और दहशत गर्दी खत्म करने वाला जेल में है। मुल्क का मजाक बनाने वाला वजीर आजम है। साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर का कहना है, हम अदालती जंग लड़ेंगे। पीटीआई वाले एनआरओ के मामले पर शोबदाबाजी कर रहे हैं। नून लीग का 30 दिसंबर को यौम तासीस मनाने का ऐलान। कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जेर सदारत इजलास। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास। परवेज मलिक, तौसीफ शाह, मियां तारिक, नजीर सवाती समेत पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों की शिरकत। इंतजामात के लिए कमेटियां तश्कील। व्हाइट हाउस के गैर कानूनी तामीर का मामला। अफजल खोखर और सैफुल मुल्क खोखर महकमा एंटी करप्शन में पेश। मलिक शफी खोखर भी मुकदमे में नामजद। एक एक मरला मेरी मलकियत है, किसी जगह पर कब्जा नहीं किया। मेरे घर को गिराया जा रहा है, इसमें 13 खानदान रहते हैं। इंसाफ की उम्मीद है। सैफुल मुल्क खोखर की गुफ्तगू। डीजी नैब लाहौर की जानिब से खुली कचहरी का इनाकाद। साइलीन ने हाउसिंग सेक्टर से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। डीजी नैब की मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी के लिए मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी। शहजाद सलीम बोले, नैब का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुल्क से करप्शन का खात्मा है। आवाम मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब से भरपूर तआवुन करें। जस्टिस अली अकबर कुरैशी और जस्टिस इबादुर रहमान लोधी के एजाज में तकरीब का इनेकाद। नामजद चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान, जस्टिस मामूनुर रशीद, जस्टिस कासिम खान, जस्टिस फारूक खान समेत दीगर जजेज और वकला की शिरकत। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के खदमात को सराहा। हाईकोर्ट बार के वकला ने गुलदस्ता भी पेश किया। तलबा के लिए खुशखबरी, अब 4थी और 5वीं जमात की रियाजी और साइंस की किताबें ऑनलाइन दस्तयाब। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने अरफा करीम टावर में ई लर्निंग ऐप का इजरा कर दिया। असातिज़ा को सबक पढ़ाने के लिए तलबा को किताब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीब में असातिज़ा की भरपूर शिरकत। अजमो हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी की दास्तान। बेनज़ीर भुट्टो शहीद। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की आज 11वीं बरसी। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में दहशतगर्द हमले में जहां बहक हुई थी।